how much do you earn secretly dating someone but want to keep that private? Do you feel lonely in YouTube career? Isne pucha, did you married? How do you feel when audience talk shit about creators promoting sponsored products? Hide nahi karne wali, main update aapko de deti hu, life update. Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today I'll be creating a very simple makeup look for oily acne prone skin, specifically for summers. Abhi bahut zyada garmi hai, humidity hai, to agar aap day time mein bahar kahin jana chahte ho, aapki acne prone skin hai, main aapko ek simple makeup look karke dikhane wali hu jo wearable hai, jo itni loud bhi nahi lagti, aap easily parties and all mein carry kar sakte ho. And at the same time main aapke questions ka answer dene wali hu. Main aajkal kafi sare creators ko ye karte hue dekhti hu jahan par wo tutorial karte hain, questions ka answer dete hain, assumptions ka आंसर देते हैं. मुझे पर्सनली ऐसा कंटेंट काफी मजा आता है देखने में, सो आई थॉट मैं भी करती हूँ अपने चैनल के लिए. बहुत दिन हो गए मैंने अपनी ऑडियंस के साथ चिट चैट नहीं किया, उनसे सवाल नहीं पूछे. बहुत सारे अजम्पशंस हैं आप सबके जो मैंने अभी देख लिए हैं और मैं सबको क्लियर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग विद द क्लीन स्किन, यू कैन सी राइट नाउ मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं है. यू कैन सी लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है समर्स में. और मैं पहले सबसे बड़ी गलती क्या करती थी, मैं मॉइस्चराइजर स्किप कर देती थी, मैं सीधा सनस्क्रीन मैट फाउंडेशन यूज करती थी और फिर मेरी स्किन और ज़्यादा ग्रीसी हो जाती थी बिकॉज अंदर से वो एक हाइड्रेशन नहीं मिलती थी एंड एट द सेम टाइम पैचेस पड़ जाते थे फाउंडेशन के. सो अब मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करती, आई यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. सो जब भी समर्स में ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर की बात आती है ना, आई ऑलवेज प्रेफर समथिंग जो लाइट वेट है, जो नॉन ग्रीसी है, एंड दिस मॉइस्चराइजर इज परफेक्ट. यह एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइजर, ये ऐसी क्लासी सी टब में आता है. एंड सबसे बेस्ट बात इसकी यही है, ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी स्किन पर हैवी फील नहीं होता और ये हाइड्रेशन में एक बहुत अच्छी बूस्ट देता है आपके फेस को. दिस मॉइस्चराइजर कम्स इन अ वेरी लाइट जेल बेस्ड टेक्सचर जो इंडियन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है और ये स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बनी है. इसके अंदर ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स एंड एक्टिव्स हैं, लाइक इसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट है, वाइटामिन सी है, प्लस इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जो काफी लाइट फील होता है, वाटर बेस्ड है, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील कराता स्किन को. ओवरऑल लगाने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्राइट ग्लोइंग और हाइड्रेटेड लग रही है स्किन. ऑल्सो एक्वालॉजिका, यू नो ये हाइड्रेशन एक्सपर्ट की ब्रांड है, तो इसके अंदर भी यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है जो लॉक करती है मॉइस्चराइजर को, आपके स्किन के अंदर इंटेंस बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन देती है. ऑल्सो इफ यू डोंट नो, एक्वालॉजिका जो है वो पीटा अप्रूव्ड है, वीगन क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज फ्री फ्रॉम नास्टीज एज वेल. ये पैराबेन, थायलेट, सल्फेट, मिनरल ऑयल फ्री है, बट इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. इसके अंदर बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, जैसे बिल्कुल मैंगो बाय टॉफी में आती है ना इसकी डिट्टो. मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया था ना, मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हुआ था बिकॉज मैंगो बाइट में से भी एकदम ऐसी वाली फ्रेग्रेंस आती थी जो हम टॉफी खाते थे. इट इज वेरी जेंटल, मेरे को बिल्कुल भी कोई इचीनेस या फिर कोई रेडनेस का इशू नहीं हुआ. मैंने अपनी एक्ने प्रोन स्किन पे पर्सनली इसको यूज करके देखा है. सो मॉइस्चराइजर अच्छे से मेरी स्किन में चला गया है, कोई भी चिपचिप ग्रीसीनेस फील नहीं हो रही, विच आई लव. अब मैं यूज करने वाली हूँ सनस्क्रीन बिकॉज मैं डे टाइम की समर मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ एंड सनस्क्रीन इज अ मस्ट. और मैं सेम रेंज की सनस्क्रीन यूज करूंगी, यह एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन. इसके अंदर भी पपाया वाइटामिन सी है विच ब्राइटन अप योर स्किन, हाइड्रेट योर स्किन. स्क्रीन का जो सर्टिफिकेशन होता है क्लिनिकली सर्टिफाइड, बेसिकली प्रॉपर उन्होंने भेजा था. सो इनके सारे जो टेस्ट है वो क्लियर है, इट इज क्लिनिकली सर्टिफाइड एज वेल. एंड यू गाइज नो इफ यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, आपको पता है मुझे कितनी ज्यादा पसंद आ रही है. मैंने नॉन स्पॉन्सर्ड में भी इतने इसकी तारीफ कर दी ना, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक बीच तक खत्म कर दिया है. मैं इसको 3 वीक्स से कॉन्टिन्यूस यूज कर रही हूँ. लव द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन, काफी लाइट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होती स्किन के ऊपर. आई जस्ट शो यू द टेक्सचर. सो दिस इज ऑफ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक. एंड आपको जनरस अमाउंट में लेनी होती है, कहने वाली बात नहीं है, यू नीड लॉट ऑफ इट. मैं भी और लेने वाली हूँ फॉर माई नेक. आई लव द फैक्ट ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है मेरी स्किन में, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं देती, कोई भी हैवी ग्रीसीनेस फील नहीं होती. और सिंस ये ड्यूई सनस्क्रीन है ना, तो बहुत अच्छी ड्यूईनेस देती है मेरी स्किन को. एंड द बेस्ट थिंग इज ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. तो अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो, दिस इज योर आंसर. आई एम गोना टेक मोर ऑन माई नेक. पर्सनली मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है. यू कैन ग्रैब दीज फ्रॉम एक्वालॉजिका ऑफिशियल वेबसाइट aqualogica.in. वहाँ पर मेरा कोड वर्क करेगा kashika20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. इसके अलावा आप इसको अमेजॉन नायका से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर डिस्काउंट कोड वर्क नहीं करेगा. बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज चेक कर लेना. स्किन केयर इज डन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप लुक. मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं साथ साथ आंसर भी करने वाली हूँ. थोड़ा सा टफ होता है, मैं यहाँ पे ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ फोन ताकि मैं साथ साथ आंसर भी कर लूँ. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, किसी ने पूछा है हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव. सो राइट नाउ इट्स 2, me and my brother. मेरा एक एल्डेस्ट ब्रदर भी था जिसकी डेथ हो गई थी 2013 में, मैंने बताया भी हुआ है. मेरे फादर के जस्ट 1 मंथ पहले, मेरे फादर की डेथ से 1 मंथ पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी इन एन एक्सीडेंट. तो या उन एक एल्डेस्ट ब्रदर भी था, बट राइट नाउ मी एंड माई एल्डर ब्रदर जिसका भी आई थिंक
8 या फिर 7 ईयर्स का गैप है. या आई एम 27 एंड ही इज 34 समथिंग, तो 5-6 साल का गैप है हम दोनों का भी. एल्डर ब्रदर में और ज्यादा गैप था. सो मैं थर्ड चाइल्ड हूँ जो काफी लेट बॉर्न सॉर्ट ऑफ चाइल्ड है, और मैं सबसे छोटी हूँ अपनी पूरी पापा की साइड फैमिली में. बिकॉज थर्ड जो अभी जो जनरेशन चल रही है, मेरी जितनी भी कजन दीदी हैं उन सबकी शादियाँ बहुत पहले हो चुकी हैं, काफी हो गए, 25th मैरिज एनिवर्सरी बन चुकी है. सो मैं सबसे छोटे बेटे की सबसे छोटी बेटी हूँ बेसिकली. सो या दैट इज अबाउट माई फैमिली. फिर किसी ने पूछा है डिस्क्राइब योर एंड रितिकाज बॉन्ड इन वन लाइन. बाय द वे शी इज द क्यूटेस्ट, लॉट्स ऑफ लव टू हर. जो लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं दे लव रितिका. बाय द वे आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का प्राइमर बिकॉज ये सिलिकॉन वाला ना, तो ऑयली स्किन के लिए और समर्स के लिए ठीक रहता है. साथ साथ मैं रिव्यू भी देती रहूंगी शॉर्ट. सो जिन जिनको नहीं पता, बिकॉज यूट्यूब पर काफी कम लोगों को पता है, मैं इतना कोई पर्सनल लाइफ डेली लाइफ के ना ब्लॉग्स नहीं बनाती, तो बहुत कम लोगों को पता है कि रितिका कौन है. काफी लोग मेरी दो नीसेस को देखते हैं, दे आर लाइक आर यू मैरिड, ये आपकी डॉटर है. तो मैं क्लियर कर रही थी वो मेरे ब्रदर की डॉटर है, दोनों ही मेरे रियल ब्रदर की डॉटर है. मैं अपने पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ. इट्स लाइक ओल्डेस्ट एंसेस्ट्रल होम, 2-3 फ्लोर का जो घर है. ये हमने स्टोर रूम के जो टॉप फ्लोर पे स्टोर रूम है ना, उसमें स्टूडियो रूम हमने बनाया हुआ है. एंड दोनों मेरी नीस है. सबसे बड़ी जो बड़ी नीस है उसका नाम रितिका है, छोटी वाली का नाम त्रिशा है. एंड पीपल लव रितिका, इंस्टाग्राम पे तो उसको काफी प्यार मिलता है. एंड शी आज की बॉन्ड को नाम दो समथिंग इन वन लाइन. आई थिंक इफ आई हैव टू से वन लाइन अबाउट मी एंड रितिकाज बॉन्ड, इट हैज़ टू बी टॉम एंड जेरी. बिकॉज लिटरली हम दोनों टॉम एंड जेरी, हम इतना लड़ते हैं ना. मतलब मेरा कोई ऑब्वियसली छोटा सिबलिंग नहीं रहा है, मैं सबसे छोटी खुदी थी, मेरे सारे कजन्स बड़े थे, तो मैंने वो छोटे भाई बहन वाला ना वो वाला बॉन्ड नहीं देखा जब लड़ाई झगड़े होते हैं. मेरा जो सेम अब बॉन्ड चल रहा है ना प्रतिका के साथ, वो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है. हम वो बुआ भतीजी वाला हमारा कोई सीन नहीं है. मैं उसको मारती हूँ, वो लिटरली मुझे मारती है. हमारी पिटाइयाँ होती हैं, मेरी मम्मी छुड़वाने आती है, छोड़ो एक दूसरे को, तकियों से मारते हैं हम एक दूसरे को. सो या वी हैव दैट टॉम एंड जेरी बॉन्ड. हम जब भी एक साथ बैठे होते हैं हम लड़ते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, और जब नहीं दूर दूर होते हैं तो फिर हम मिस भी करते हैं एक दूसरे को. वो मिस करती है जब मैं यहाँ पे शूट करने आती हूँ, लिटरली बाहर विंडो में काफी बार खड़ी रहती है कि बूजी हो गया आपका काम हो गया. बिकॉज या वी लव ईच अदर, हमारा थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला सीन है. मूविंग ऑन टू कलर करेक्शन, मैं के ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ, 140Y मीडियम, जो एकदम येलो टोन का कंसीलर है, तो मेरे स्किन पे कलर करेक्शन बहुत अच्छे से करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वेन एवर यू विल डू मैरिज विच मेकअप आर्टिस्ट यू पर्सनली लव एंड लहंगा कलर ऑल्सो. माई गॉड, मतलब इंडिया में तो लड़कियां पैदा होती है आजकल लहंगा कलर के साथ साथ ना मेकअप आर्टिस्ट भी सोचने लग जाती है, मैं इसे हाईलाइटिंग क्यों कर रही हूँ. सो लहंगा का कलर, ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी प्रॉपर सोचा नहीं है. बट आई रियली लाइक हॉट पिंक सॉर्ट ऑफ टोन्स. मतलब मुझे एकदम रेड कलर का लहंगा इतना पसंद नहीं है. आई फील लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है. बट माई मॉम इज़ लाइक नहीं बेटा, लहंगा लाल ही होता है. मैंने एक बार मजाक में बोल दिया था, आई थिंक आलिया भट्ट की शादी या फिर कैटरीना कैफ किसी की, अनुष्का शर्मा की शादी के टाइम न्यूज़ पे जब आता है ना टीवी पे, तो मैंने बोला था वाइट लहंगा कितना अच्छा लगता है, आई लव इट. और मेरी मम्मी ने दिल पे वो बात ले ली थी, और तब से लेके अब तक वो मुझे सबकी शादियों में जाओ कहीं पर भी जाओ वो मुझे लिटरली कहती है, देख पहना देख सा लाल अच्छा लग रहा है, भगवान आशीर्वाद देते हैं ऊपर से आते हैं, लाल पहना जरूरी होता है, लाल तो दुल्हन की पहचान है, सफेद ये वो कलर तो तू पता नहीं कब पहले ही लाल कलर पहना होता है. सो या आई थिंक मुझे अपनी मदर के लिए ना लाल कलर का लहंगा पहनना पड़ेगा. बट अदरवाइज आई विल ट्राई फॉर समथिंग इन हॉट पिंक या फिर एकदम ब्राइट पिंक सॉर्ट ऑफ टोन्स होते हैं ना, वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, बिकॉज वो थोड़ी सी लेस कॉमन होती है. एंड मेकअप आर्टिस्ट की जहाँ तक बात की जाती है, अब तो भरमार है यार, इंस्टाग्राम पे इतने मेकअप आर्टिस्ट आ गए ना. मतलब आई फॉलो लॉट, आई फॉलो पारुल गर्ग, गुनीत वीरदी, आई पी ग्लिट्स, मतलब 2-3 मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मैं एक्टिवली बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ. मैं ये मार्स के ब्रशेज यूज कर रही हूँ बाय द वे. सो उनका काम मुझे काफी अच्छा लगता है, बट रेट काफी हाई है. मतलब मैंने अपनी मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था कि तूने रेट पूछवाए सबके. सो उसने मुझे जब रेट बताया ना, मुझे लिटरली मिनी अटैक आ गया था कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट कितना ज्यादा चार्ज करते हैं यार. मतलब ठीक है उनका भी काम है, ऑब्वियसली स्पेशल ओकेजन है, हम भी पैसा उतना लगाने को रेडी होते हैं, बिकॉज शादी बार बार थोड़ी होती है लाइफ में. बट अभी तक मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है. नेक्स्ट किसी ने पूछा है, यू आर सीक्रेटली डेटिंग समवन बट वांट टू कीप दैट प्राइवेट. ओहो, ये सारे मेरे इंस्टाग्राम के स्टॉकर्स हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ जब मैं इधर उधर कहीं घूमने फिरने जाती हूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन सी हाथ पाथ तो दिख ही जाते हैं. मैंने सच कुछ रिवील नहीं किया है अपने इंस्टाग्राम पर भी, बिकॉज या आई कंप्लीटली बिलीव इन कीपिंग माई पर्सनल लाइफ प्राइवेट. मैं इतना ज़्यादा नहीं अभी वो करती, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव या तो इधर के हो जाओ या फिर उधर के हो जाओ, आई द बी ब्लैक और वाइट, डोंट बी इन द ग्रे जोन. ये मतलब मेरी लाइफ का मोटो है, मैं हमेशा हर चीज़ में क्लियर रहती हूँ, करना या फिर नहीं करना, लेकिन
लेकिन बीच के जोन में नहीं रहना. आई सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो पार्टनर दिखाते भी हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, बॉयफ्रेंड बोलते भी हैं, बोलते भी नहीं हैं, थंबनेल में यूज़ कर लेते हैं, बताते भी नहीं हैं. मतलब वो जो क्योस होता है ना, वो ऑडियंस को भी समझ नहीं आता है ना. ऑनेस्टली मैं अपनी ऑडियंस को कभी कन्फ्यूजन में रखूंगी नहीं. मैं जब भी अपनी पार्टनर की आइडेंटिटी रिवील करूंगी या जब भी कुछ भी बताऊंगी तो मैं फुल फ्लेज्ड होकर बताऊंगी कि या ही इज़ माई पार्टनर, एंगेजमेंट होगी, जो भी होगा, जो भी फ्यूचर में होगा, मैं प्रॉपर वैसे बताऊंगी. मैं अभी आपको एक शक्ल दिखा के, एक फ्रेंड बोल के नहीं कहूंगी नो नो वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड, वी आर नॉट डेटिंग ईच अदर. तो वो वाला मेरा सीन नहीं है. सो इस अजम्पशन को मैं हाँ ही बोलूंगी बिकॉज येस इट्स ट्रू. मैंने बाय द वे मिक्स किया है स्विस ब्यूटी का ये वाला रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, उसके साथ मैं ये सुपर स्टे का फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ. मैंने बोला ना डे टाइम की ग्लोई मेकअप है, तो थोड़ा सा ग्लो बढ़ाने के लिए मैं ये मिक्स कर रही हूँ बिकॉज अच्छा, बहुत अच्छा एक डूई लुक आता है. ओके, नेक्स्ट किसी ने पूछा हाउ मेनी मेम्बर्स यू हैव इन योर फैमिली राइट नाउ. आई हैव मी, माय मम्मी, माय ब्रदर, मेरे ब्रदर की वाइफ, मेरी भाभी और दो बच्चे. सो आप काउंट कर सकते हो कितने लोग हो गए अपने आप. एंड या दैट इज इट, अभी हमारी इतनी सी फैमिली है. फिर नेक्स्ट किसी ने पूछा है हाउ मच डू यू अर्न. मतलब लोग कैसे पूछ सकते हैं किससे ऑन फेस. मतलब मेरी आज तक अपने भाई से भी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई तेरी सैलरी कितनी है तू बताया. उसने मेरे से कभी मेरे से ऑन फेस नहीं पूछा व्हाट इज़ योर सैलरी. ऑब्वियसली जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो उसके सीए से मैं अपना टैक्स फाइल कराती हूँ तो तब हम बैठते हैं, बट एज सच मेरी फैमिली ने भी कभी मेरे से सवाल नहीं पूछा. तो जब लोग ऐसे रैंडमली पूछ लेते ना कि व्हाट इज़ योर सैलरी, आप कितना कमाते हो, आप इतना तो कमा ही लेते होगे. और आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, लोग अपनी यूट्यूब एडसेंस की अर्निंग का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं. मतलब आई डोंट नो, आई थिंक इट इज अनएथिकल और समथिंग बिकॉज यूट्यूब खुद बोलता है कि आप ऐसे अपनी इनकम नहीं रिवील कर सकते. वैसे आप आइडिया दे सकते हो कि यार मैं इतने के अराउंड कमाती हूँ. लाइक आई कैन गिव यू एन आइडिया कि मैं अभी करंटली 6 figures में अर्न करती हूँ, बट मैं ऑब्वियसली आपको फिक्स इनकम नहीं बता सकती बिकॉज इट इज वेरी पर्सनल थिंग और ये चीज़ फ्लक्चुएटिंग भी है. अगर मैं एक प्रॉपर एक जॉब करती ना जहाँ पर मेरी एक फिक्स सैलरी आती, मैं डेफिनेटली बता भी सकती थी कि देखो मेरा इतना पैकेज है, मेरा अभी इतना पैकेज चल रहा है, मैं इतने पैकेज के लिए इंटरव्यू कर रही हूँ. बट मेरे केस में तो ऐसा है ही नहीं ना. हमारा तो लिटरली दूरों वाला सीन है कि हम जब तक काम करते रहेंगे हमें पैसा आता जाएगा. जहाँ हमने छुट्टी ली, हमने 2-3 की कोई कोलैबोरेशन नहीं ली तो देयर इज नो अर्निंग. या काफ़ी बार जब एड्स नहीं चलते, वीडियो हमारी इतनी अच्छे से रन नहीं होती तो अर्निंग कोई नहीं होती. तो जब कोई चीज़ फिक्स्ड ही नहीं है तो आप उसको गाकर भी क्या करोगे. आप बता भी दो और नेक्स्ट मंथ वो डाउन चली जाए, खामा का सामना सोचेगा बड़ा अच्छा कमा रही है लेकिन नेक्स्ट मंथ तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो नहीं बताना चाहिए. अरे मेरा फेस आपको थोड़ा सा भी वाइट वाइट लग रहा होगा बट डोंट वरी, ये मेबेलिन का सुपर स्टे जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो आफ्टर एन आवर ये लिटरली मेरी स्किन टोन में ब्लेंड हो जाता है. सो अभी आप इग्नोर करो, थोड़ी देर बाद ही एकदम सेट हो जाएगा. इसने पूछा डिड यू मैरिड. ये क्या होता है डिड यू मैरिड, एक तो लाइन ही गलत है. बट नो आई एम नॉट मैरिड यार, आई एम अनमैरिड राइट नाउ. मूव ऑन विद द ब्लश पार्ट. आई विल बी यूजिंग लव अर्थ का ये मल्टी पॉट इन द शेड बी द चेंज. इसी को मैं अपने चीक्स पे यूज कर लूंगी. नेक्स्ट किसका अजम्पशन है आई थिंक यू आर एंगेज टू समवन. भाई मेरे इंस्टाग्राम के लोग क्या समझते हैं मेरे को कि यार मैं एंगेज हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं. ऐसा कुछ नहीं है भाई. आई एम नॉट एंगेज टू एनी बडी येट. ऑब्वियसली थिंग्स आर इन कॉन्वर्जेशन. मैं ब्रश से लगाती हूँ, हाथ से बहुत अजीब सा हो जाता है. चीज़ों की बात चल रही है, मैं हाइड नहीं करने वाली, मैं अपडेट आपको दे देती हूँ, लाइफ अपडेट. थिंग्स आर गोइंग इन कॉन्वर्जेशन. कोई डेट, कोई सगाई, कोई रोका वाला सीन नहीं है. बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू सेटल इन लाइफ यार. काफ़ी परफेक्ट एज है, मतलब मैं पर्सनली मेंटली रेडी हूँ. आई वॉन्ट से एज सही है इसलिए मैं शादी कर रही हूँ. आई वुड से मैं मेंटली उतना रेडी हूँ कि मैंने फाइनेंशियली उतना अर्न कर लिया, मैं फाइनेंशियली एक स्टेबल स्टेज पे आ चुकी हूँ, मैं सेव उतना कर चुकी हूँ कि कल को मुझे कुछ एक्सपेंस करना होगा अपनी शादी पे तो मैं खुद वो एक्सपेंस को कुछ उठा पाऊँ इन टर्म्स ऑफ डेकोर या कुछ भी कपड़े एंड ऑल होते हैं. बिकॉज आई फील लाइक जो थोड़े एक्स्ट्रा चोंचले होते हैं ना जो हम आज की जनरेशन खुद करती है वो आपको खुद ही उठाने चाहिए. बेसिक शादी आपकी फैमिली वाले भी कर देंगे बट आपको उनके ऊपर ऐसा एक्सपेंस नहीं डालना चाहिए जो आप अपनी पर्सनल चॉइस से डालना चाहते हो. सो मैं उतना अर्न करके सेव भी करना चाहती थी कि कल को इफ़ आई एवर गेट मैरिड आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ एज वेल. Where do you see yourself in next 10 years? Next 10 years में मैं अपने आप को कहाँ देखूंगी? I would be married, obviously. Kids का नहीं पता बिकॉज बच्चे अपने हाथ में नहीं होते, ये तो चीज़ मैं नहीं बोल सकती. बट डेफिनेटली मैरिड एंड रनिंग माई ओन बिजनेस. मैंने एक स्पेसिफिक अलग से अमाउंट सेव करना शुरू कर दिया फॉर माई फ्यूचर बिजनेस. वो अभी मैं ऑब्वियसली बिजनेस पर मैं अभी कुछ भी लाइक मैं अभी उसको आइडिएशन स्टेज पर रखना चाहती हूँ बिकॉज मैं उस चीज़ को इंप्लीमेंट तभी करूँगी वंस आई एम लाइक सेटल इन टर्म्स ऑफ मैरिज. बिकॉज ऑब्वियसली घर पर भी प्रेशर होता है कि बेटा शादी कर लो, उम्र है. और मैं ऐसे वाले प्रेशर के बीच में ना अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी खुलती है, वेयर हाउस आपको लेना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं. तो वो मैं तभी करूँगी जब मैं थोड़ा सा
सेटलमेंट स्टेज पे आ जाऊंगी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, मैंने सेव करना शुरू कर दिया. सो इन नेक्स्ट 10 years यू माइट सी मी ओनिंग अ गुड ऑनलाइन कंपनी और मे बी ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल. मैं डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रांड खोलने वाली हूँ, मैंने चीज़ों का आइडियाज कलेक्ट करने शुरू कर दिए. सो या यू माइट सी मी अ सीईओ ऑफ अ गुड कंपनी. हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर? माई फर्स्ट इंस्पिरेशन हैज टू बी श्रेया जैन. मतलब मैं उनकी जो सबसे पुरानी वीडियोज थी ना, जो मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे देखती थी, मैं तब से उनकी वीडियोज देखती आ रही हूँ. काफी बार आप देखोगे जब एक क्रिएटर व्लॉगिंग में चला जाता है ना, तो वो व्लॉग्स ही बनाता रहता है, वो हर चीज को व्लॉगिंग में ही डालता रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको व्लॉगिंग से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं. बट श्रेया जैन इज वन ऑफ द रेयर कॉन्टेंट क्रिएटर जो अभी भी प्रॉपर रिव्यूज बना रही है. और मेरा भी पर्सनली यही लाइफ का गोल है कि मैं लाइफ में चाहे डेली व्लॉगिंग, कुछ भी व्लॉगिंग में कितना भी चली जाऊँ, मैं ऐसे सिट एंड टॉक वीडियोज बनाऊंगी जहाँ पर मैं आपको क्रिस्प रिव्यूज दूंगी, उनके बारे में अच्छे से बात करूंगी. आई लव दिस किस एंड टेल शेड ऑन माई आईज. आजकल तो मैं आई शेडो यूज ही नहीं कर रही, मैं इसी को अपनी आईज पर यूज कर लेती हूँ. एंड सिंस आई सेड ये वाली जो लुक है काफी रिलेटेबल है, जो आप एवरी डे जल्दी जल्दी भी क्रिएट कर सकते हो, ये मल्टीपॉट एकदम परफेक्ट है. टू सेट माई फेस आई बी यूजिंग द के ब्यूटी का HD लूज पाउडर और मैं मार्स के ब्रश सेट का सबसे बड़ा ब्रश ले रही हूँ. नेक्स्ट किसी ने पूछा है, हाउ डू यू फील व्हेन ऑडियंस टॉक शिट अबाउट क्रिएटर्स प्रमोटिंग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट? यूट्यूब पर अभी भी इतना वो नहीं है, बिकॉज यूट्यूब पर आप जो भी स्पॉन्सरशिप देखोगे, प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझाया जाता है, बताया जाता है. मैं पर्सनली एक ही प्रोडक्ट को टेस्ट करती हूँ, खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, उसको चेक करती हूँ अच्छा है नहीं है, उसी के बाद मैं रिव्यू करती हूँ. बट इंस्टाग्राम पर आई कैन से कि अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, जब से रील का बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हुआ है ना, रील्स पे भर भर के स्पॉन्सर्ड आपको पोस्ट मिलते हैं. एक एक क्रिएटर हफ्ते हफ्ते में 5-5, 6-6 स्पॉन्सरशिप कर लेता है रील्स पर, बिकॉज 60 सेकंड का कंटेंट बनाना स्टिल थोड़ा सा ईजी होता है, व्यूज़ वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इनकम उनको अच्छी मिल जाती है. यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म के जो व्यूज़ है ना, वो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो हमें भी ब्रांड्स क्वेश्चन करती हैं कि हम आपको इतना पे नहीं कर सकते, व्यूज़ अब इतने अच्छे नहीं आ रहे. तो ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारी साइड से भी. बट व्यूअर की साइड पर मैं अगर कहूँ तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है. इट इज़ ऑन यू. आपको कोई नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिक क्रिएटर को ब्लाइंडली फॉलो करो. पहली बात तो अनफॉलो कर दो वो सारे क्रिएटर्स जो खाली एस्थेटिक वाले रिव्यूज देते हैं. यू गाइज नो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो खाली एस्थेटिकल रिव्यूज करते हैं, बहुत अच्छे एस्थेटिकल बैकग्राउंड पे खड़े होंगे, सनस्क्रीन भी ऐसे लगाएंगे कि बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रोक होता है सनस्क्रीन का, वो लगती भी ना ढंग से फेस पर. जो भी प्रोडक्ट होगा उसको स्वॉच ही करके दिखाते हैं, उसको प्रॉपर दिखाते भी नहीं है. मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को अनफॉलो कर दिया है जो खाली एस्थेटिक वाले रिव्यूज करते हैं, जहाँ से मुझे प्रॉपर कुछ सीखने को नहीं मिलता. यूजिंग माई फेवरेट मस्कारा द बाम का मैड लैश मस्कारा, मुझे आजकल काफी पसंद आ रहा है. सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है, आपने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है? फिर किसी ने पूछा है स्टडी क्वेश्चन मार्क. फिर किसी ने पूछा है टेल मी अबाउट योर एजुकेशन. मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताया हुआ, बट मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ. मैंने 11th 12th में C++ लिया था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम GGS. IPU का कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GTVIT. वहां से मैंने BTech करी है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैंने उस टाइम ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया था, बिकॉज उस टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी, एंड दैट वॉज लाइक अ गेम चेंजर. मुझे उसके बाद वो इतनी फील्ड पसंद आई, मार्केटिंग भी थी उसमें, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी. सो मैंने पर्सनली बीटेक करने के बाद एक साल का ब्रेक लिया था. मैंने एक टेक्निकल जॉब मेरी लग गई थी, आई वॉज अ वेरी रेयर वन इन माई कॉलेज जिसकी टेक और नॉन टेक दोनों जॉब लगी थी. मेरे पास एक मार्केटिंग की भी जॉब थी, मैं गई वहाँ पे, मैं 2 हफ्ते बाद घर आ गई, भाई मेरे से नहीं हो रही, मेरे रोने निकल गया. आई वॉज लाइक नहीं हो रहा यार मेरे से. तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके, जब तब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, बिकॉज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो ब्लॉग आपको ओपन करना होता है, WW वेबसाइट जो भी आप खोलते हो, तो ब्लॉगिंग इसके बाद मैंने शट डाउन कर दी, बिकॉज मुझे पर्सनली लिखने में मजा नहीं आ रहा था. सो ऑन 1st January 2018 मैंने कैमरा उठाया, मैंने वीडियो बनाई और मैंने अपलोड कर दी बेस्ट एलोवेरा जेल की. एंड सिंस देन यही चल रहा है, मैं रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ. साल बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी इन PR एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम YMCA. ये बेसिकली ऑफलाइन कोर्स होता है जिसमें सारा ऑफलाइन मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, बिकॉज मुझे MBA नहीं करनी थी. BTech करके मैं समझ गई थी कि डिग्री खाली पेपर की होती है, इतना ज़्यादा कोई रियल लाइफ में काम नहीं आती. मुझे प्रॉपर एक ऐसी चीज़ करनी थी जो मुझे शॉर्ट शॉर्ट काम आए. मैंने जब इनका सिलेबस देखा मुझे अच्छा लगा. डिजिटल में मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ ली और PR एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का जो PGD कोर्स था उसमें मैंने सारा ऑफलाइन पढ़ लिया कि ऑफलाइन मार्केट आप कैसे करते हो. उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स भी दिया, मैं एक इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करा था मैंने, जिसके लिए मैंने इवेंट भी किया था, एक गेस्ट लेक्चर. वो इवेंट था, वर्कशॉप करी थी मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, वो वर्कशॉप का बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट लेक्चर हायर कर लिया था. तो मैं हर डिजिटल मार्केटिंग का जो बैच था ना, वहाँ पे एक गेस्ट लेक्चर देती थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का. मैंने कोविड से पहले आई थिंक 1 साल तक यही किया है. उसके बाद कोविड आ गया तो ऑब्वियसली सारे इंस्टीट्यूट शट डाउन हो गए,
सारा जो भी ये ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो गया था. ऑनलाइन मैंने एक लेक्चर लेने की कोशिश करी जूम कॉल पे, मेरे से नहीं हुआ. मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई थी ना, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सा ऑन करो, साइड में क्वेश्चन आ रहे थे, इधर इतने सारे बच्चे देख रहे हैं. वाज लाइक नहीं भाई, मेरे से नहीं हो रहा. और कोविड के बाद ना मैंने काफ़ी सीरियसली यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाया रेगुलरली, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरे यहाँ पर ग्रोथ ठीक ठाक हो गई थी, इनकम मेरी अच्छी हो गई थी. तो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ, मैं आपके लिए कॉन्टेंट बनाती हूँ. सो दिस इज माई एजुकेशन, इंजीनियरिंग से शुरू हुआ था, मार्केटिंग पर खत्म हो गया. डेली लाइफ क्यों नहीं, व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते, सैटिस्फाइंग टू वॉच योर व्लॉग्स अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी. आई नो आजकल लोगों को ये घरेलू व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, लोगों की फैमिली के व्लॉग्स एंड ऑल, बट देखो सब कंफर्टेबल नहीं होते. मैं पर्सनली इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं अपनी फैमिली दिखाऊँ. सब ये देखो ऐसे बैठे नहीं होते, लाइक माई ब्रदर इज डूइंग अ जॉब, मेरी मदर अपना कुछ काम कर रही होती है, मैं ज़बरदस्ती कैमरे में घुस घुस के नहीं मेरे साथ व्लॉग बनाओ. और डेली लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है दिखाने को, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग. इसलिए मुझे डेली व्लॉगर्स इतने पसंद नहीं आते, बिकॉज आप डेली क्या ही दिखा दोगे, कितना ही अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कर लोगे कि आप डेली व्लॉगिंग करने लग जाओगे, मेरे से वो नहीं होगा. मैंने इसलिए अभी ट्रैवल व्लॉग फर्स्ट टाइम क्यों बनाया, बिकॉज मैं कोविड के बाद फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करी, तो उसमें कॉन्टेंट बन सकता था. मैं आपको एक अच्छा दिखा सकती थी माउंटेन्स का, ट्रैवलिंग का, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दे सकती थी ऑन ट्रैवलिंग. और उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, इट वॉज नॉट अबाउट आई मी माई सेल्फ, हाई गाइज मैं ये खा रही हूँ, हाई गाइज मैं ये कर रही हूँ. उसमें मैंने बहुत सारे जो शॉर्ट्स थे ना वो इंक्लूड किए थे अबाउट द नेचर, हम कहाँ गए हैं, वहाँ की टिकट्स क्या सीन है, वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो. बिकॉज मुझे ऐसी नॉलेजेबल चीज़ों का कंटेंट बनाना ज़्यादा पसंद है, नॉट जस्ट अबाउट आई मी माई सेल्फ. तो मैं इतना कोई घरेलू व्लॉग्स अभी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कल को कोई अच्छा फंक्शन होता है जब मुझे लगता है कि हाँ मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकती हूँ, तब मैं डेफिनेटली अपनी फैमिली को शो करूँगी. बट अदरवाइज मुझे वो होमली वाले व्लॉग्स का इतना कोई शौक नहीं है. मुझे आजकल टेंट्स यूज़ करना बहुत पसंद आ रहा है ऑन माई लिप्स एज वेल, बिकॉज ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्टे करते हैं, हैवी नहीं फील होते. एज ए सेट काफ़ी नेचुरल लुक हमें अचीव करनी है, उसको बिल्कुल भी लाउड चटाक नहीं बनाना, तो ये काफ़ी सही रहता है. ये लुक लिटरली आपने कॉलेज के लिए भी रिक्रिएट कर सकते हो, अगर कोई स्पेशल डे होगा कॉलेज में, या फिर आपने ऑफिस में भी पहन सकते हो, बिकॉज मैंने कुछ भी लाउड चटाक नहीं किया है. ये डूई लुक है, तो मैं डूई सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मार्स का सील द डील, यू गाइस नो, मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है. सो लेट इट सिंक इनटू माय स्किन, टिल देन हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं. मेरी बैटरी जाने वाली है कैमरा की, माई कैमरा बैटरी लिटरली डाइड, मैंने उसको चार्ज होने रख दिया था, एंड आई एम बैक. यू कैन सी मेकअप एकदम इंटैक्ट है. आई थिंक मैं थोड़ा सा हाईलाइटर और लगा लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा अभी डल लग रहा है. वैसे मैं डे टाइम में इतना लगाती नहीं हूँ, मैं एकदम टच ऑफ हाईलाइटर लगाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है एवरीडे लाइफ में. हल्का हल्का मैं ये वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ, जो काफ़ी नेचुरल लगता है. फिंगर से लगा रही हूँ ना, तो और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, ब्रश से बहुत ज़्यादा काफ़ी बार हार्श लग जाता है. इसे मुझे हाउ डू यू फील अबाउट इट, लाइक योर फॉलोअर्स हू लिटरली फॉलो यू एवरी डे, वॉट यू डू, क्या पहना है, क्या लिपस्टिक है, क्या खाया है. आई समटाइम्स फील कि आप ऑलरेडी इतना मेहनत करते हो, कभी कभी आपको लगता होगा क्या इन सबको सारा जानना पड़ता है. देखो कभी कभी हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली न्यू फॉलोअर्स ना ऐड होते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और अगर मैं कोई आउटफिट पहनती हूँ या फिर कुछ भी यूज़ करती हूँ, तो जिसने पहले पूछा होता है और जो नया आया होता है वो फिर दोबारा पूछता है कि क्या है, आपने क्या पहना है. बट इट इज़ माई जॉब, आई थिंक बींग अ रिव्यूअर, मैं हमेशा प्राउडली कहती हूँ ना, रिव्यूअर इज़ ग्रेटर दैन इन्फ्लुएंसर. मैं अपने आपको रिव्यूअर बोलती हूँ, बिकॉज मेरा काम है रिव्यूज़ देना. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं आपके रिप्लाइज़ का जवाब दूँ. अगर मैंने कुछ हाईलाइट किया होता तो मैं बता भी देती हूँ, स्टोरी हाईलाइट में जाकर देख लो. और अगर मैं वो नहीं दे पाई ना, तो आई थिंक एज अ रिव्यूअर मैं फेल कर रही हूँ, बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस को करेक्ट आंसर नहीं कर पा रही. ये ऑडियंस मैंने बिल्ड करी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जवाब का, उनके सवालों का जवाब देना. सो या कभी कभी अनॉय हो जाती हूँ जब वो रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम मैं नहीं होती. वो कह रहा है मैरी सून एंड पोस्ट ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब इसके लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी जल्दी. चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं. डू यू फील लोनली इन यूट्यूब करियर? नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोस्त यार सब बढ़िया है, मुझे कोई लोनली फील नहीं होता. आई एम वेरी हैप्पी विद माई रियल ऑफलाइन फ्रेंड्स. Assume that now after so many years you are fed up of collecting so many products, clothes, arranging them in your wardrobe. Definitely सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी बार जगह भी नहीं होती. टचवुड मेरा घर काफ़ी बड़ा है, मेरा स्टोर रूम है अंदर पूरा, ये स्टूडियो रूम है. वैसे ही मेरे घर में स्पेस अच्छी है, तो मैं चीज़ों को रख सकती हूँ प्रॉपरली, बट मैं गिव अवे करती रहती हूँ. आप कभी मेरा कोई वार्डरोब का भी टूर या फिर कोई वैनिटी टूर देखोगे ना, आप उसके अंदर 100-200 लिपस्टिक देखोगे ही नहीं, बिकॉज मैं रिव्यू करती हूँ और जो मेरी फ्रेंड्स को पसंद आती है मैं दे देती हूँ. मतलब अगर मैंने कोई उसकी फोटो ले ली, रिव्यू कर दिया, तो मैं दे देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं इतना सारा अकेले नहीं यूज़ कर सकती, एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो मैं ज़बरदस्ती होर्ड नहीं करती, मैं मैक्सिमम चीज़ें गिव अवे कर देती हूँ. जो यूज्ड होता है वो फ्रेंड्स एंड ऑल को दे देती हूँ, और जो अनयूज फ्रेश होता है वो मैं आप सबको गिव अवे कर देती हूँ. बस बाकी तो सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है जिनका सॉर्ट ऑफ मैं आंसर दे चुकी हूँ, और मेमोरी भी जाने वाली है, खत्म हो चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये है हमारी फाइनल लुक, जो भी इन सबके डिटेल्स होंगे, लिंक्स होंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सबसे रिलेटेबल ये लुक है, बिल्कुल भी लाउड नहीं है, चटैक नहीं है. ये लुक मैं 5 मिनट में रियल लाइफ में क्रिएट करके बाहर जा सकती हूँ.
हूँ, आई लाइनर कुछ नहीं है ना, तो फटाफट क्रिएट हो जाती है, वेरी लाइट और समर्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है. सो डेफिनेटली आप रिक्रिएट कर सकते हो. लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे. बाय बाय, सी नेक्स्ट टाइम.